श्लोक माया डोले वो विधि मन लपट्यो ते संग। माया डोले वो विधि मन लपट्यो ते संग। माया जड़ी हैगी है ये एक थों खड़ी नहीं है, जिन्ना भी कुछ है पर पड़ दे बिच सारा ही हिलदा, चंद सूरज धरती सब घूमते हैं, हवा वो भी घूमती है, खड़ता नहीं कुछ भी इतने, कई विधियां ने डोल दी है, जे समुद्र च पानी है तो वो छलाई जाती है। जे कोई पत्थर है वो विच भी जरा रोग है, हिल चिल हर जगह है माया, हिल चल तो बिना कदे भी नहीं माया, चाहे सानू कोई चीज खड़ी लगती है लगती है, सानू खड़ी है नहीं, जिवें असीं कहने भाई हाँ इमूवेबल है, तारे टुटते रहते नहीं, इमूवेबल कोई चीज नहीं है संसार। ये जिहड़े विद्वान ने इन्हां दी बुद्धि इस करके थोड़ी बनी है, ये माया दे विच कोई चीज इमूवेबल मनते ने, इन्हां नू इमूवेबल इमूवेबल लगती है, इमूवेबल है नहीं। जब सारी धरती इमूवेबल है, धरती ते मकान इमूवेबल किवें है, खेत इमूवेबल किवें ने, बस इस करके जिहड़ी गुरबाणी की बोली है वो पूरी है, साडी बोली अधूरी है, विद्वानां दी बनाई हुई है साडी बोली, विद्वानां नूं गुरबाणी तां ही थोड़ी बुद्धि वाले बनती है, बुद्धि है भी थोड़ी है ना दी, सारी वो विद्या बनाई हुई है गलत शब्द हो जाती है, इस करके असीं सच नहीं बोल सकते, जब इमूवेबल असीं कहिंदे गल झूठ है। जे विचारीए कोई भी चीज इमूवेबल है नहीं संसार च, ईवन साडा जिहड़ा मन है ये भी इमूवेबल नहीं है, ये भी डोलदा है, क्यों डोलदा मन, माया नाल जुड़िया होया करके डोलदा, जितने ने माया नूं त्यागता ये स्टेबल हो जूगा, स्थिर हो जूगा मन, माया डोले बहुविधी मन लपट्यो ते संग, लपट्यो ते संग, मन उहदे नाल लपट्या होया ते फिर खड़े किवें है, जब माया डोलदी है भी डोलदा, भी जे आपां रेल गड्डी बैठे हाँ रेल गड्डी खड़ी है तो आपां खड़े हाँ, जे चलती है तो आपां चलते हाँ, चाहे आपां बैठे हाँ बिच बैठे नहीं आपां चलते ही हाँ, तो जमीन भी इमूवेबल कहते हैं, चलो जिन्नी उन्हां नूं इमूवेबल दिंदी है, धरती घूमती भी कहते, धरती घूमती भी कहते, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी की जाती है, बस इदां ही है, इन्नी क गल दसनी सी इन्हां दी, किड्डे कदम मंद रहे पवन च घोलना, पवन तो जिहड़ी चीज बनी हुई है साचे से पवना पिया पवना ते जल होए, जिहड़ी हवा तो बनी हुई माया वह खड़क में जाऊगी, जिहड़ी चीज तो पैदा हुई है वही डोलन वाली है, रुके नहीं सकती, सवाल नहीं पैदा होता, इन्हों नहीं बहुत पता होंगे विद्वानों, ये तो जरा थोड़ी जी दृष्टि होंगी जो मूहरे देखते दे उल कह देंगे, इस करके संसार जोड़ा है ना, संसार का कोई काम नहीं ठीक चल सकता, झगड़े लड़ाइया इतने होंगे ही नहीं, क्यों विद्वानों के आसरे ही चलता ना संसार, इन्हों की बुद्धि थोड़ी होंगी है, मंगन ते जे तुम रखो सो नानक नामे रंग, मांगण ते जे तुम रखो, मन डोलदा ओ चाहिदा ओ चाहिदा, माया वास्ते डोलदा ना मन, जो देख लिया उस दी इच्छा पैदा होंदी है, मांगण ते जे तुम रखो, जे तुसी बचाउणा ना इहनू भी मन कुछ मंगे ना, अकल नूं कहा जे तैनू चाहिदा ना भी मेरा मन कुछ मंगे ना, जिवें आपां कहिंदे न्याणे नूं समझाइए सियाणा होवे कुछ मंगे ना बाजार च जाके, इहदियां सारियां मंगां पूरियां नहीं आपां कर सकदे, ओह सिर्फ नाम दा रंग चढ़ाओ इहनू तां इह मंगण ते हटूगा वरना नहीं इहने हटणा, सो नानक नामै रंग, सो नानक नामे रंग, संसार दी कोई विद्या संसार दा कोई ज्ञान इहनू माया दी भुख दी बंद नहीं कर सकदा, कहण दा मतलब इह है
संसार की कोई विद्या, संसार का कोई ज्ञान माया मंगण ते मनू बंद नहीं कर सकता, माया की भुखे की बंद नहीं कर सकता। केवल नाम का रंग है, आत्म ज्ञान है जेड़ा एदी माया की भुख नू बंद कर सकता है। नाम का रंग होंदा दो चीज़ां ने, नाम का रंग भी होंदा, नाम का रस भी होंदा। जेड़ा रस है, जेड़ा ज्ञान है, उहदा तां रंग होंदा, चिट्टा रंग होंदा ना ज्ञान दा, काले तो चिट्टा करना ना उहने ज्ञान ने, जेड़ा रस होना उहने नशा करना, नशा रस ना होना ज्ञान ना नहीं होना, ज्ञान ना जे नशा होना अहंकार दा होना। जिहड़ा ज्ञान नशा करता हंकार का करता, ज्ञान का नशा जिहड़ा है बिल्कुल नहीं होता है, आत्म ज्ञान का नशा नहीं होता, कदे भी नहीं होता। जिहड़े दूए संसारी ज्ञान ने उहदे च रस नहीं होता, उहदा ज्ञान ही होता सिर्फ। इस करके उहदे रंग का जिहड़ा संसार का ज्ञान उहदे रंग का हंकार हो जाता है। लोग कहने ने भी ज्ञान का अहंकार हो जाता है, वो च रस कोई नहीं होता, ये च रस होता, रस किन कहने संसार दे भी रस ने, मान नाम का रस संसार दे रस सारे छड़ा दिंदा, जितना नाम का रस जिन्हों आ जाता संसार का कोई भी ज्ञान का रस, खाण पीण का रस, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਸੰਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਡੋਲਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਚਰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਖੜਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਠੰਡ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਰਸ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਇਹ ਰਸ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਨਾਲ ਮਾਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।